YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं BPA News, देश का सच दिखाते हैं हम। आज होम्योपैथिक COVID-19 के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली प्रोफिलेक्सिस होम्योपैथिक दवा का सफलतापूर्वक शोध हुए, जिसकी जानकारी डॉक्टर हर्ष निगम द्वारा पत्रकार वार्ता में अपनी 13 डॉक्टरों की टीम के साथ बताया। ये दवा प्राकृतिक संसाधनों से बनाई गई है, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। जनता को इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। इससे जो लाभ मिलने वाला है वो ये है कि हम आपको प्रोफिलेक्सिस जो प्रिवेंटिव दवा है वो बताने जा रहे हैं, फॉस्फोरस 12 उसकी डोज बताने जा रहे हैं। आप उस डोज को कहीं से भी ले सकते हैं। हमारे जो डॉक्टर्स अपने अपने सेंटर में हैं वहाँ से लेने से फ़ायदा ये है कि आप हमारी रिसर्च में हमको हेल्प करेंगे, जिससे कि हम आगे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आप लोगों की सेवा कर सकें। कितने दिन में रिसर्च पूरी हुई, क्या रहेगा इसका रिपोर्ट बताइए डॉक्टर साहब। नहीं, अच्छा ये रहने दो, ये रिसर्च बहुत दिनों से चल रही है। कोरोना कानपुर में आने, इंडिया में आने से पहले हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड में जो डेटा था उसको कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। ये डेटा हम लोग को वुहान से, हम लोगों को मिडिल ईस्ट से, ईरान से, हम लोगों को इटली, स्पेन से, यूके से और अमेरिका से मिला था। अमेरिका के साथ साथ ही इंडिया में कोरोना आया था। हम लोगों ने जल्दबाजी में कोई भी दवा एज अ प्रिवेंटिव पब्लिक में नहीं जारी करी, क्योंकि हम लोगों को ये मालूम था कि कोरोना या कोई भी एपिडेमिक जो होता है वो जब अपने परवान को चढ़ता है तो वो अपने सिम्टम्स को चेंज करता है और क्लाइमेटिक कंडीशंस और इन्वायरमेंट के बेसिस पे भी उसके सिम्टम्स चेंज होते हैं। तो जो दवा प्रोफाइलेक्टिक इटली में होगी वो इंडिया में होगी ये ज़रूरी नहीं है। हमसे पहले कुछ सीनियर डॉक्टर्स ने, होम्योपैथी के डॉक्टर्स ने जो कि वर्ल्ड रेनाउंड है, उन्होंने कई दवाओं के नाम सजेस्ट किए। आयुष मंत्रालय की होम्योपैथी के डिपार्टमेंट की तरफ से आर्सेनिक एल्बम बताई गई, वर्ल्ड रेनाउंड डॉक्टर हैं डॉक्टर शंकरन, उनकी तरफ से बताई गई कैम्फर, कुछ लोगों ने ब्राइनिया, जिंकम म्यूर, इन्फ्लुएंजाइनम दवाएँ बताई। हमारा क्या काम था, हम लोगों ने जो प्री एनालिसिस करी थी, हम लोग की दवा फॉस्फोरस निकल के आए, लेकिन हम लोग एज ट्रू रिसर्चर्स अपनी जिद पे नहीं अड़े। हम लोगों ने जब अपना ग्रुप बनाया 8 होम्योपैथी का, जो हमारा ग्रुप पहले से बना हुआ था, तो हम लोगों ने अलग अलग शहरों में, अलग अलग सेंटर्स में, जब इंडिया में कोविड पहुंच गया तो हम लोगों ने पेशेंट्स को अलग अलग दवाएँ देना शुरू करी और डेटा कलेक्ट करना शुरू किया कि किस दवा का सबसे बढ़िया असर होता। सब दवाएं इफ़ेक्टिव पाई गई, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव दवा पाई गई वो दवा थी फॉस्फोरस। और इंडियन कंडीशंस में फॉस्फोरस के ज़्यादा इफ़ेक्ट होने का कारण भी हम लोग को समझ में आया, जैसे वुहान से ये वायरस निकला और आगे बढ़ा तो ये 2 स्ट्रेन इसके कॉमनली आ गए। एक स्ट्रेन आया एल और एक एस स्ट्रेन। आर्सेनिक एल्बम दवा जो मंत्रालय से बताई गई थी वो एक ही स्ट्रेन को इफेक्ट कर पा रही थी, जबकि फॉस्फोरस दोनों स्ट्रेन को असर कर रही थी। ये हम लोगों ने लॉजिक निकाला इसका, इसकी वजह से फॉस्फोरस ज़्यादा फायदेमंद हुई। दूसरा, जब सिम्टम्स की बात आई तो इटली में जा करके ये भेद खुला कि इस एपिडेमिक का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम क्या है। और मैं यहाँ पर पब्लिक को जागरूक भी करना चाहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम कोरोना का की पहचान का बिना जांच कराए नाक से स्मेल का गायब हो जाना और जबान से टेस्ट का गायब हो जाना हो जाता है, साथ में अगर कोर सिम्टम्स हों। और कोर सिम्टम्स केवल 3 होते हैं, सूखी खांसी या खांसी के साथ सांस फूलना, तेज बदन में दर्द और हाई फीवर, ये 3 कोर सिम्टम्स हैं। अक्सर एक पैनिक की स्थिति देखी जा रही है कि हर फीवर को लोग कोरोना समझ रहे हैं, जो कि गलत है। आपको कोर सिम्टम्स के हिसाब से ये बात समझनी पड़ेगी, ठीक है।